हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब आप IRCTC से रेल टिकट बुक कर रहे हैं तो बुकिंग करने के दौरान या फिर बुकिंग करने के बाद बोर्डिंग पॉइंट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बोर्डिंग पॉइंट को कब और क्यों हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है। मान लेते हो कोई ट्रेन सूरत से आ रही है और दिल्ली होते हुए मुजफ्फरपुर को जा रही है। जब आप उस ट्रेन में दिल्ली से लेकर के मुजफ्फरपुर तक के लिए जब आप सीट देख रहे हैं तो आपको वेटिंग दिखा रहा है, लेकिन जब आप दिल्ली के 3-4 स्टेशन पीछे से और मुजफ्फरपुर तक के लिए जब आप सीट देख रहे हैं तो आपको कंफर्म सीट मिल रही है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, टिकट को आप 3-4 स्टेशन पीछे से बुक कर लेंगे और मुजफ्फरपुर तक ही सफर करेंगे, लेकिन बोर्ड करने के लिए आप जो है 3-4 स्टेशन पीछे नहीं जाएंगे। आप रहते हैं दिल्ली में तो दिल्ली से आप ट्रेन में बोर्ड करिएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आप बोर्डिंग पॉइंट को नई दिल्ली नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, TT आपके सीट को किसी और को अलॉट कर देगा। क्योंकि इंडियन रेलवे के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, 2 या 3 स्टेशन और या फिर 100 किलोमीटर तक अगर आप अपने बर्थ पे नहीं मिलते हैं तो TT जो है आपके बर्थ को किसी और को अलॉट कर देगा। TT ये मान करके चलेगा कि आप ट्रेन में बोर्ड नहीं हुए हैं, आपका ट्रेन छूट गया या फिर XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो किसी और को बर्थ अलॉट कर देगा। इसलिए अति आवश्यक हो जाता है कि ट्रेन में सीट आप कहीं से ही बुकिंग करें। मान लेते हैं आप सूरत से ही आप ट्रेन में सीट बुक कर लें, लेकिन अगर वो दिल्ली होते हुए अगर आ जा रही है और दिल्ली से आपको ट्रेन को बोर्ड करना है तो बोर्डिंग पॉइंट को आपको जरूर चेंज करके दिल्ली कर देना चाहिए, ताकि जाकर के आपका सीट दिल्ली से रहे और आप सफर मुजफ्फरपुर तक लिए कर सके। बुकिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपका मेन होता है बोर्डिंग पॉइंट जहां से आप ट्रेन में चढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए पूरा का पूरा हम क्लियर देख लेते हैं कि हम टिकट बुकिंग करने के दौरान या फिर बुकिंग करने के बाद बोर्डिंग पॉइंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और पूरी डिटेल्स के साथ हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको आ जाना होगा IRCTC पे, लॉगिन कर लेना होगा अपने ID से और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना कहाँ से कहाँ जाना है। जैसे कि मेरे को आसनसोल से अमृतसर जाना है और यहाँ से मुझे अपना एक डेट सेलेक्ट कर लेना है जिस डेट को मुझे जाना है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, सर्च करने के बाद सबसे पहले यहाँ स्लीपर पे क्लिक करते हैं। जिस भी कोटा में जाना है तो यहाँ पे देख लीजिए 20 वेटिंग चल रहा है। अब जाकर के इसी ट्रेन में अगर मैं पीछे सीट देखता हूँ, जैसे कि ये देखिए मैं धनबाद से भी देख रहा था, अब जाकर के अगर मैं आसनसोल से चेक करता हूँ तो आपके सामने देखिए रिजल्ट क्या आता है वो आप खुद देख लीजिए। ASN ओके सर्च करते हैं, 17 जून रहेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ से सीट अवेलेबल है, तो ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा इसे बुक कर लूँगा। बुक करने के लिए क्या करना है, बुक करना है मेरा नाम ऑलरेडी यहाँ पे सेव है, मैं यहाँ पे सीट अपर बर्थ ही मैं प्रेफर रखता हूँ हमेशा। अब देखिए बुकिंग करने के दौरान मैंने अभी आपको बताया था कि आप चेंज कर सकते हैं, तो जैसे आप पैसेंजर पेज पे आएंगे तो पैसेंजर पेज पे यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ देख लीजिए बोर्डिंग पॉइंट का, ठीक है, ये वाला बोर्डिंग स्टेशन, यहाँ से आपका टिकट बुकिंग हो रहा है यहाँ तक आप जा रहे हैं और ये वाला जो आपका सेक्शन है बोर्डिंग, ठीक है, जहाँ से आप ट्रेन में बोर्ड करेंगे। टिकट बुक कहाँ से कर रहे हैं डजेंट मैटर, बोर्डिंग कहाँ से कर रहे हैं वो आपका मैटर करता है, तो ठीक है। यहाँ से देखिए आप यहाँ से बोर्डिंग को चेंज कर सकते हैं, सारे स्टेशन जो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिलहाल मैं इसे रहने देता हूँ आसनसोल ही, क्योंकि मैं आपको बुकिंग करने के बाद दिखाऊंगा कि कैसे चेंज कर सकते हैं। पहला प्रोसेस तो ये हो गया कि आप यहीं से बोर्डिंग स्टेशन को सिलेक्ट करें और प्रोसेस आगे की ओर बढ़ जाए, आपका जो बोर्डिंग स्टेशन चेंज होकर के ही बुकिंग होगा, ठीक है। फिलहाल मैं आसनसोल रहने देता हूँ और टिकट को मैं बुक करता हूँ। ओके यहाँ से चलिए स्किप कर देते हैं और ये देख लीजिए टिकट बुकिंग कहाँ से हुई है, आसनसोल से, बोर्डिंग पॉइंट भी आसनसोल है, ठीक है, अमृतसर तक। अब जाकर के देखिए हम कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि आप IRCTC में लॉगिन हो चुके हैं, लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, चले जाना माय अकाउंट पे, माय अकाउंट में जाने के बाद माय ट्रांजैक्शन बुक टिकट हिस्ट्री। आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्राउजर का तो सेम प्रोसेस होगा, लैपटॉप पे भी यूज कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। बुक टिकट हिस्ट्री के अंदर जाएंगे, उसके बाद यहाँ से अपना आपको वो वाला टिकट को सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला हमारा वो टिकट है जो अभी अभी हमने बुक किया है। चलिए इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए टिकट हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब क्या करना है, नीचे की साइड आपको आ जाना है, तो यहाँ पे देखिए कई सारे सेक्शंस बने हुए हैं और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चेंज बोर्डिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने सारे के सारे लिस्ट आ चुके हैं, जहाँ से आपने ट्रेन को बुक किया है सीट को वहाँ से लेकर के आपके डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन से एक स्टेशन पहले तक आपको दिखा रहा है। अब जाकर के डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेशन से ट्रेन को बोर्ड करने वाला है। तो मैं जैसे बताया आपको कि मेरे केस में कि मैं धनबाद से ट्रेन को बोर्ड करूँगा, तो मैं यहाँ पर कर दूँगा धनबाद पर क्लिक और ओके पे क्लिक कर दूँगा। अभी आप देखिएगा राइट साइड में आप देख लीजिए यहाँ पर बोर्डिंग पॉइंट चेंज सक्सेसफुली आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद जब आप अभी टिकट को प्रिंट करेंगे तो अभी आप देखिए जादू क्या होता है।
तो यहाँ पे देखिए टिकट बुकिंग में अभी प्रिंट में क्या दिखा दिया, आसनसोल टू अमृतसर और बोर्डिंग पॉइंट जो है अपना धनबाद हो चुका है। ठीक है, जब आप विदाउट बोर्डिंग चेंज की जब टिकट को आप पीडीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा। ठीक है, बोर्डिंग अगर होगा तो वही आसनसोल ही, अदरवाइज होता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने जहाँ से टिकट को बुक किया है और जहाँ तक जा रहे हैं वही आपका लिखा होता है, लेकिन जब आप बोर्डिंग पॉइंट को चेंज करते हैं तब जाकर के आपके सामने ऐसा वाला ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली बोर्डिंग पॉइंट चेंज हो चुका है। आई होप कि आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि हमें बोर्डिंग पॉइंट को क्यों चेंज करना पड़ता है, किस कंडीशन में ऐसा होता है, और आपने बोर्डिंग पॉइंट को चेंज करना भी सीख लिया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। फिर भी किसी भी तरह का सवाल या सुझाव रह गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।